कुछ ही सालों में टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई। पहले जो सिर्फ सपना लगता था, आज वो हकीकत बन गया है। और अब तो वैज्ञानिकों ने सपनों को भी नहीं छोड़ा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जापानी वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक एक MRI मशीन बना ली है, जो कि इंसान के सपनों को रिकॉर्ड करके उसको रीबिल्ड यानी कि पुनर्निर्माण करके उसे जागते हुए देखने लायक बना सकता है। ओह माय गॉड, यानी कि अब आप अपने सपनों को हकीकत में देख पाओगे। गाइस, अब आपको ये बताना है कि आप अपना कौन सा सपना हकीकत में देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ट्यूशन फीस के चक्कर में बहुत से बच्चे पढ़ नहीं पाते और गरीबी की वजह से कई बच्चे कचरा उठाने पर मजबूर हैं। पर असम गुवाहाटी के पामोही गांव में अक्सर नाम का एक स्कूल है, जहां पर ट्यूशन फीस के बदले प्लास्टिक का कचरा लिया जाता है, जिससे गरीब बच्चे पढ़ भी पाते हैं और प्लास्टिक के कचरे की सफाई के साथ साथ इस कचरे का इस्तेमाल करके इको ब्रिक्स बनाई जाती हैं। यह स्कूल प्रमिता शर्मा नाम की एक महिला ने शुरू किया था। बाद में इसे ग्रीन स्कूल के नाम से भी जाना जाने लगा। गाइस, हाल ही में अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अमेज़न कंपनी और खुद की तारीफ की और ये भी लिखा कि बहुत से लोग ऐसा कहते थे कि फेल हो जाएगी अमेज़न। सरकास्टिकली उन्होंने अपनी बात रखी, पर उनके इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए एलन मस्क ने सिल्वर मेडल का इमोजी ट्वीट कर दिया। अब एलन मस्क ने ट्वीट किया है तो मतलब तो इंटरेस्टिंग होगा ही। अब इसका क्या मतलब था, ध्यान से सुनिएगा। इस ट्वीट का मतलब यही था कि अब आप चाहे कुछ भी लिखें, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में एलन मस्क पहले पायदान पर है, तो गोल्ड मेडल उनका हुआ, और जेफ बेजोस दूसरे पायदान पर है, तो सिल्वर मेडल उनका हुआ। बहुत सिंपल सा ट्वीट था, लेकिन मतलब बहुत ही गहरा था। 24 अक्टूबर 2021 को T20 वर्ल्ड कप का घमासान इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला जाने वाला है, जिसका क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार है। पर मजे की बात यह है कि आज तक के क्रिकेट इतिहास में वर्ल्ड कप के किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तान कभी इंडिया को हरा नहीं पाया है, और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तानियों का बड़बोलापन और उनकी बड़ी बड़ी बातें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा ने इस मैच को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक इन्वेस्टर ने यह वादा किया है कि अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में हरा देती है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार है। गाइस, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते, इसी चक्कर में आज तक पाकिस्तान कभी इंडिया को हरा नहीं पाया है। कोलगेट एक बहुत ही फेमस ब्रांड है और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है उनकी ब्रांडिंग यानी कि एडवर्टीजमेंट। कोलगेट ऑलमोस्ट सभी देशों में अलग अलग भाषाओं में एडवर्टीजमेंट करता है, लेकिन आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक देश ऐसा भी है जहां पर कोलगेट अपनी एडवर्टीजमेंट कर ही नहीं सकता, और वो देश है स्पेन। और उसके पीछे का रीजन ये है कि स्पेनिश भाषा में कोलगेट का मतलब होता है हैंग योरसेल्फ, यानी कि अपने आप को फांसी लगा लो। अब अगर ऐसा मतलब निकलेगा तो कोई अपना विज्ञापन कैसे करेगा। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था, और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।